नमस्कार, सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून सभी को। मैं राहुल राज आप सभी लोग का स्वागत करता हूं, वेलकम करता हूं। कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं सब बेहतर होंगे और पढ़ाई लिखाई भी बेहतर चल रहा होगा। किसी को किसी प्रकार का कोई भी समस्या नहीं होगा, ना ही कोई परेशानी होगी। और जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि ज्योमेट्री का आज 19वां लेक्चर हम लोग करने जा रहे हैं। थोड़ा थोड़ा ही करके पढ़ रहे हैं, लेकिन बहुत ही बेहतरीन तरीके से पढ़ रहे हैं। और हम आपको बार बार कह रहे हैं कि नोट्स प्रॉपर बनाइएगा, क्योंकि जो ज्योमेट्री आपको पढ़ा रहा हूँ बहुत ही बेहतरीन लेवल का है। तो एक बार नोट्स बनाइएगा, इसको बार बार रिवीजन कीजिएगा, तभी जाकर के ज्योमेट्री कंप्लीट होगा। अगर आप चाहें कि सर का एक बार क्लास कर ली और मेरा ज्योमेट्री कंप्लीट हो गया, तो ऐसा नहीं हो सकता है, क्योंकि इसमें आपको बहुत सारा चीज नया देखने को मिल रहा है, बहुत सारा चीज नया पढ़ने को मिल रहा है। तो पता है ना, अगर नया किसी से एक बार मुलाकात होता है तो उसके चेहरा तक याद नहीं रहता, अगर कुछ दिन बाद फिर से मुलाकात ना हो तो। अभी मत कहना कि सर उसका चेहरा आज तक नहीं भूल पाए हैं, एक ही बार देखे थे, बहुत गलत बात है। ठीक है, तो किसी को भी याद रखने के लिए उससे बार बार मुलाकात होता है, तभी वो याद रहता है, नहीं तो इंसान को भी हम भूल जाते हैं। यहाँ तो ये गणित ही है। तो चलिए, आइए ज्यादा देर ना करते हम लोग सेशन को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, जिसमें आज 19वां लेक्चर है ज्योमेट्री का। उससे पहले आप लोग सेशन को लाइक और शेयर कर देंगे, और हम तब तक यहाँ पे एक मिनट का आपका समय लेंगे, कुछ बता देंगे जो कि समय सारणी है। समय सारणी बताएंगे आपको, जैसे कि यहाँ से सबसे पहले आप लोग जानते हैं कि हम लोग 8 बजे सुबह से स्टार्ट हो जाते हैं। 8 बजे सुबह में हम लोग का जो फर्स्ट क्लास रहता है वो मॉक टेस्ट रहता है। मॉक टेस्ट रखने के पीछे बहुत सारा रीजन है, ताकि सुबह सुबह आप मोटिवेटेड हो जाए। यहाँ से मॉक टेस्ट जो चलता है आपका इन्फिनिटी इंस्टीट्यूट यूट्यूब चैनल पे चलता है। अगर इस चैनल को अभी तक आप ज्वाइन नहीं किए हैं तो ज्वाइन कर लें, और अगर इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें। 8 बजे से मॉक टेस्ट करने के बाद हम लोग इसमें जिसमें मैथ और रीजनिंग का 30 क्वेश्चन हम लोग करते हैं, तुरंत 9:30 में अर्थमेटिक स्टार्ट कर देते हैं। तुरंत 9:30 में जैसे ही समाप्त होता है, उसके बाद 9:30 में कंप्लीट मैथ प्रो लेवल में अर्थमेटिक का सेशन हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं। अर्थमेटिक ई जो चलता है आपका राहुल राज मैथ यूट्यूब चैनल पे चलता है, राहुल राज मैथ्स यूट्यूब चैनल पे। उसके बाद फिर आप लोग को दिन भर हम छोड़ देते हैं अर्थमेटिक पढ़ा करके, कि अपना मजे कीजिए, खाइए पीजिए, मस्त रहिए और रिवीजन कीजिए। उसके बाद फिर हम आते हैं आपके समक्ष 8:15 PM पे, एक सेक्शन देते हैं आपको, जिससे का सेशन अभी आप कर रहे हैं कंप्लीट मैथ प्रो लेवल में। एडवांस भी अलग से आप लोग का चल रहा है। एडवांस जो चलता है वो राहुल राज मैथ यूट्यूब चैनल पे चलता है, राहुल राज मैथ्स यूट्यूब चैनल पे चलता है। ठीक है, और उसके बाद लास्ट में थके हारे आप जब खाना उना खा लेते हैं रात में, तब हम आपको 10:15 PM पे रीजनिंग का लेक्चर दे देते हैं। ठीक है, रीजनिंग आप कर लें। रीजनिंग जो चलता है आपका इन्फिनिटी इंस्टीट्यूट यूट्यूब चैनल पे चलता है। और यहां से आपको हम छोड़ देते हैं, फिर लास्ट में रिविजन करके अपना सो जाया कीजिए। ठीक है, तो चलिए, समझ में आ गया। अपने सभी दोस्तों को बताइए कि भाई मैथ और रीजनिंग के लिए पैसा बर्बाद करने का कोई जरूरत नहीं है, आ जाओ फ्री में। और आपको तो पता है कि ऐसा कंटेंट कोई पैड कोर्स में भी नहीं दे सकता है। फिर अगर आप पैसा कहीं बर्बाद करते भी हैं तो उससे क्या बेनिफिट होने वाला है? कोई बेनिफिट नहीं है। तो सबको बताइए, अपने दोस्तों को भी बताइए, सबके साथ शेयर कीजिए, उसको बताइए कि, और जैसा नहीं है कि यूट्यूब पे कुछ और पढ़ाया जाएगा, पैड कोर्स में कुछ और मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं है। पैड कोर्स का ही सारा कॉन्टेंट आपको यूट्यूब पे मिल रहा है, जैसा कि आप जान रहे हैं। तो आप बताइए दोस्तों को। ठीक है, तो यहाँ पे 111 नंबर क्वेश्चन आज हम लोग करेंगे, 110 तक पीछे कर चुके थे। 111 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। तो आइए इसको करते हैं, और हम कहेंगे कि वीडियो को रोक लिया कीजिए, पहले एक बार खुद से 2 कॉपी रखिए, एक नोट्स का कॉपी रखिए और एक अपना रफ कॉपी रखिए। ठीक है, जब क्वेश्चन स्क्रीन पे आए तो पहले वीडियो को रोकिए, क्वेश्चन को पढ़िए, इसको बनाने का प्रयास कीजिए, उसके बाद मेरा सॉल्यूशन देखिए, और उस सॉल्यूशन को फिर नोट्स पे, जो नोट्स वाला कॉपी है उस पे नोट कीजिए। समझ में आया? तो क्वेश्चन कह रहा है आपका, यहाँ पे देख पाएंगे, क्वेश्चन कह रहा है कि भाई साहब, एक वर्ग ए बी सी डी के अंदर एक समबाहु त्रिभुज बी पी सी बनाया गया है। ठीक है, एंगल ए पी डी का मान क्या है होगा? तो एक वर्ग ए बी सी डी है, उसके अंदर एक समबाहु त्रिभुज बनाया गया है बी पी सी, तो यहां से एंगल ए पी डी का मान क्या होगा बताना है। जैसे कि यहाँ पे हम फिगर बनाने का पहले प्रयास करेंगे, सबसे पहले
कि आपको एक सुंदर सा फिगर बना के दे, जैसा कि आप जान रहे हैं कि मेरा ड्रॉइंग जो है कितना बढ़िया है, ठीक है। तो यहाँ पे देख पाएंगे कि एक वर्ग हमने बनाया, यहां से बोला है कि ए बी पी सी है, तो इसको हम इस भुजा को हम बी सी मान के चलते हैं ताकि हमको बनाने में सही रहे, ए बी सी डी, ठीक है, ए बी सी डी। अब यहाँ पे बी पी सी एक ट्रायंगल समबाहु त्रिभुज बनाया गया है, तो यहाँ से बी पी सी हो जाएगा कुछ इस प्रकार से, यहाँ पे पी हो जाएगा। आपसे पूछा क्या गया है, एंगल ए पी डी, ए पी डी मतलब कि ई वाला एंगल आपसे पूछा गया है, भाई साहब पैरेलल कौन सा एंगल, ई वाला एंगल, ई वाला एंगल, यहाँ पे जो आपको एंगल दिख रहा है ई वाला एंगल आपसे पूछा गया है, तो बता सकते हैं, जरूर बता देंगे, क्यों नहीं बताएंगे सर, आ जाओ बताते हैं कैसे बनेगा। जैसा कि आप जान पा रहे हैं और देख पा रहे हैं कि यहाँ पे जो ये कौन सा ट्रायंगल है, समबाहु त्रिभुज है, ये जो त्रिभुजवा बनाया है हम लोगों ने, ये कौन सा त्रिभुजवा है, समबाहु त्रिभुजवा है सर जी, समबाहु त्रिभुज है तो इसका सब कोणवा कितना कितने डिग्री का होगा, 60-60 डिग्री का होगा, यो 60 का होगा और यो 60 का होगा, ठीक है, यहाँ तक कोनो समस्या ना होना चाहिए। आगे बढ़ोगे तो जैसा कि जान रहे हो कि ये बीसी है भुजा वर्ग का और ये समबाहु त्रिभुज है, तो तीनों भुजा बराबर होगा और ई जब इसके बराबर है तो फिर ई इसके बराबर होगा ना, क्योंकि ये भी वर्ग का भुजा है, तो दोनों भुजवा जब बराबर है और यहाँ पे 60 डिग्री का कोण है तो पहले ही बताओ कि यहाँ पे कितने डिग्री का कोण बनेगा, 30 डिग्री का बनेगा, क्योंकि पूरा 90 डिग्री का होता है, होता है ना, तो जब ई 60 का है तो 30 का है, और ई दोनों भुजवा जब बराबर है तो ई वाला कोणवा यहाँ से आ जाओ, ई वाला कोणवा और ई वाला कोणवा दोनों बराबर होगा, होगा सर जी, तो ई 30 का है तो दोनों मिला के कितना होगा, 150 बचेगा, तो 150 में दोनों बराबर बराबर, मतलब ई भी 75 का और ई भी तुम्हारा 75 का हो जाएगा, कोनो तकलीफ है, नहीं होना चाहिए एकदम थोड़ा सा भी तकलीफ। अब उसी प्रकार से इधर देखोगे, इसके बराबर है तो ये दोनों भी बराबर होगा, होगा ना, और यहाँ पे 60 का है तो ये कितने का होगा, ये भी सर 30 का होगा, क्योंकि पूरा कोण 90 डिग्री का होता है, ये 60 और 30 है और ये दोनों बराबर है, मतलब कि ये वाला कोण यहाँ से अगर इसको हम मिला देते हैं तो ये वाला कोण कितने का हो जाएगा, 75 का हो जाएगा, और ये भी तुम्हारा 75 का होगा, क्योंकि दोनों कोण बराबर होगा, जब ये दोनों भुजा बराबर है तो यहाँ पे दोनों कोण भी बराबर होगा। अब यहाँ पे देखोगे ध्यान से, क्या दिख रहा है, कुछ दिख रहा है, तुमको नहीं दिखेगा, आंख तुम्हारा काम कहाँ करता है, ई कंप्लीट सर्किल है ना, जहाँ पे 360 डिग्री का कोण बनेगा, बनेगा ना, अब 360 डिग्री में तुमको बाकी कौन सा है, यही इतना बाकी है ना जो तुमको निकालना है, बाकी इधर वाला पते ही पते ही पते है, तो 360 में से सबको घटा दो, 360 में से किसको किसको घटाओगे, 75 60 75 को, तो यहाँ से 75 माइनस का 75 और माइनस का 60, तो यहाँ से 360 है तुम्हारा, 360 माइनस 150 210 हो जाएगा, 210 माइनस करोगे कितना बचेगा, 150 बचेगा, और यही तुम्हारा 150 पी का मान हो जाएगा। बात समझ में आया कि ना आया, कितना आसान क्वेश्चन था, मजा आया, कोई दिक्कत है, एकदम आराम से प्यार से समझ में आया, आगे बढ़ा जाए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है ना, चलिए आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, देखिए 111 के बाद 112 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे कह रहा है, वर्ग ए बी सी डी के अंदर एक समबाहु त्रिभुज ए बी ई भुजा ए बी पर बनाया गया है, विकर्ण डी बी त्रिभुज को ओ पर काटता है, ए ओ बी का मान बताना है, क्वेश्चन को वीडियो को रोक लो और क्वेश्चन को बनाने का जरूर प्रयास करो, क्योंकि जब तक अपना हाथ पैर नहीं पीटना शुरू करोगे ना तब तक चीजों को सीख नहीं पाओगे, ठीक है। अब जैसे कि यहाँ पे बोला है कि वर्ग ए बी सी डी के अंदर, देखो यहाँ पे सिखाते हैं, आ जाओ यहाँ पे ध्यान दो, वर्ग ए बी सी डी के अंदर एक समबाहु त्रिभुज ए बी ई है, तो पहले वर्ग बनाओ ए बी सी डी, ए बी सी डी एक वर्ग हमने बना दिया, ठीक है, किस पे त्रिभुज बनाया गया, भुजा ए बी पर, तो ए बी को हम नीचे रखते हैं ताकि हमको ए बी सी डी, ठीक है, और ए बी पर एक ए बी ई समबाहु त्रिभुज बनाया गया है, तो समबाहु त्रिभुज इस पे बना लेते हैं, ठीक है ना, कुछ इस प्रकार से बनेगा ए बी ई, यहाँ तक कोनो दिक्कत है, यहाँ तक कोनो दिक्कत है तो बता दो, नहीं है ना। अब बोला है विकर्ण डी बी, विकर्ण डी बी को ड्रॉ करना है, विकर्ण डी बी खींचो यहाँ से, विकर्ण डी बी जब खींचोगे तो यहाँ से कुछ इस प्रकार से खींचोगे ना, यहाँ से विकर्ण डी बी कुछ इस प्रकार से जाएगा तुम्हारा, यहाँ पे आएगा ना इस प्रकार से, कोनो दिक्कत है, नहीं है,
रहा है विकर्ण डीबी त्रिभुज को बिंदु ओ पर काटता है, तो बिंदु ओ कहां पे मिला, यहां पे मिल गया ओ। पूछा क्या है ए ओ बी, मतलब कि ये वाला कोण तुमसे पूछा गया है कि ये वाला कोण कितने डिग्री का है, तो बता दो। आप बता देते हैं कैसे बताएंगे, सिंपल सा बात है, जब ई तुम्हारा कौन सा त्रिभुज था, समबाहु त्रिभुज था, तो ई कितने डिग्री का कोण होगा, तो ई जो है तुम्हारा 60 डिग्री का कोण होगा, होगा सर जी। ई जो डीबी है ये क्या है, ई जो डीबी है ये क्या है, विकर्ण है। जब डीबी विकर्ण है ना, तो आपको याद रखना है कि डायगोनल बाइसेक्ट वर्टेक्स एंगल, डायगोनल जो है बाइसेक्ट वर्टेक्स एंगल, डायगोनल बाइसेक्ट वर्टेक्स एंगल, बाइसेक्ट वर्टेक्स एंगल, वर्टेक्स एंगल, ठीक है, डायगोनल बाइसेक्ट वर्टेक्स एंगल। हिंदी वाले प्यारे लाल गुस्सा रहे होंगे भीतर भीतर, तो उनको बता दें कि वर्ग में विकर्ण जो होता है, विकर्ण शीर्ष कोण को समद्विभाजित करता है, शीर्ष कोण को समद्विभाजित करता है, ठीक है। इस पॉइंट को इसमें हम मेंशन करेंगे, यूज करेंगे, समद्विभाजित करता है, बाकी वर्ग पढ़ेंगे तो ये आपको प्रॉपर चीजें यूज करेंगे, ठीक है ना। तो वर्ग में विकर्ण जो है शीर्ष कोण को समद्विभाजित करता है, इस बात को आपको याद रखना है। तो यहाँ पे जब समद्विभाजित करता है तो मतलब कि पूरा एंगल कितने का था, 90 का था, तो इधर वाला भी 45 हो जाएगा और इधर वाला भी 45 हो जाएगा, और सेम चीज यहाँ पे भी हो जाएगा। यहाँ से अगर इसको देखेंगे तो ये भी 45 का होगा ना, और यहाँ से इधर भी देखेंगे तो ये भी 45 का होगा। बस इतना समझ में आ गया, खेला हो गया, देखो कैसे खेला कर दिए, तुमको पता नहीं चला कि कैसे कैसे खेला हो गया। ई वाला त्रिभुज देखो, एक छोटू सा प्यारा सा त्रिभुज दिख रहा होगा, दिखाई दे रहा है, नहीं दिख रहा है ना, आंख तुम्हारा काम नहीं कर रहा है सही से, आंख का इलाज कराओ, यहाँ पे आओ, अब दिखेगा, टेंशन ना लो, जरूर दिखेगा। हम दिखाया तुमको ना दिखे, ऐसा कैसे हो सकता है, हो सकता है, नहीं हो सकता है सर जी। अब देखो ध्यान से, दिख रहा है ये वाला त्रिभुज, ये 60 है, 45 है, कितना होगा, क्यों नहीं पता है ना, है घटाओ इसको 180 में से, 180 माइनस का 60 और माइनस का 45 हो जाएगा, 60 40 100 105, 180 में से 105 घटेगा कितना आ जाएगा, 75 डिग्री आ जाएगा, मतलब कि जो तुम्हारा कोण पूछा है वो कितने डिग्री का है, 75 डिग्री का है भाई साहब। बात समझ में आ गया, मजा आया कि ना आया, इतना बढ़िया क्वेश्चन सेकंडों में निपटा के। लेकिन इस सेकंडों में कब निपटेगा, जब आप क्वेश्चन को किए रहेंगे, बार बार प्रैक्टिस में रहेंगे तब निपटेगा, नहीं तो लटक जाओगे। दिखाया कैसे लटकोगे, आओ अगला क्वेश्चन देखो, आ जाओ अगला क्वेश्चन देख लो, यहाँ पे क्या कह रहा है, मजा आ जाएगा तुमको करके, वीडियो को रोक लो और क्वेश्चन को करके देखो, उसी प्रकार का क्वेश्चन है। बसरते कह रहा है कि एक समबाहु त्रिभुज ए बी ई, एक वर्ग ए बी सी डी की भुजा ए बी पर वर्ग के बाहर बनाया गया है, यहाँ पे जो है आपका वर्ग के बाहर बन रहा है त्रिभुज, और कह रहा है रेखा डी ई और विकर्ण ए सी एक दूसरे को बिंदु ओ पर काटते हैं, डी ई और बी सी जो है, विकर्ण बी सी है, विकर्ण ए सी है और रेखा डी ई है, एक दूसरे को ओ पर प्रतिच्छेदित करते हैं, एंगल सी ओ डी का मान ज्ञात करना है, सी ओ डी का मान ज्ञात करना है। एन इक्विलेटरल ट्रायंगल ए बी ई इज ड्रॉन ऑन द साइड ए बी ऑफ ए स्क्वायर ए बी सी डी, इक्विलेटरल ट्रायंगल इज आउटसाइड द स्क्वायर, जो इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाया जा रहा है वो त्रिभुज वर्ग के बाहर बनाया गया है, ठीक है। लाइन डी ई एंड डायगोनल ए सी इंटरसेक्ट इच अदर एट पॉइंट ओ, लाइन जो डी ई है और विकर्ण डायगोनल जो है ए सी, दोनों एक दूसरे को पॉइंट ओ पर प्रतिच्छेदित करते हैं, फाइंड एंगल सी ओ डी, सी ओ डी यहाँ पे फाइंड करना है। तो यहाँ पे आ जाइए, फटाफट ध्यान दीजिए कैसे करेंगे, निपटाएंगे, कोई बड़ा बात नहीं है, ठीक है, थोड़ा सा हम छोटा भी कर देंगे तो आपको दिख रहा है, क्योंकि आप पढ़ चुके हैं एक बार, जब चीजों को पढ़ लिए तो एक बार समझ में आ जाता है बात, ठीक है ना। तो यहाँ पे ध्यान देंगे, समबाहु त्रिभुज बनाएंगे, पहले वर्ग बनाएंगे, ठीक है, तो वर्ग बना देते हैं यहाँ पे, हम मोटा है बहुत, इसको पतला करते हैं, यहाँ पे आ जाओ, एक वर्ग बना दिया हमने, वर्ग बना दिया, यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगा। आगे कह रहा है
कि वर्ग जो है वर्ग यहाँ से इसको ए भी मानेंगे क्योंकि त्रिभुज के बाहर बनाया गया है, तो त्रिभुज के बाहर बनाया गया है ना, तो इसको हम ए बी सी डी ले लिया। अभी यहां से ध्यान देना कि यहां से जो है कुछ इस प्रकार से हमारा त्रिभुज बना दिए ए बी ई, यहाँ पे ई हो जाएगा। अब यहाँ पे ध्यान देना कह रहा है कि रेखा डी ई, डी ई कहाँ पे है, डी और ई यहाँ पे है, तो डी ई ड्रॉ कर दो। तो डी ई ड्रॉ करेंगे ना, तो यहाँ पे ध्यान देना डी ई ड्रॉ करेंगे तो यहाँ पे देखो यहां से डी ई आएगा, यहां से डी ई जो है तुम्हारा आएगा, डी ई ड्रॉ कर दिया हमने। यहां से इसको मोटा करते हैं, रुक जाओ टेंशन ना लो प्यारे लल, दिख रहा है। अब दिख रहा है, अब दिखेगा, डी ड्रॉ कर दिया हमने, यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगा सर जी, नहीं है ना। अब यहां से आगे बोला है कि डायगोनल एसी, एसी डायगोनल है, तो यहां से डायगोनल एसी को ड्रॉ कर लो, एसी को ड्रॉ कर दो, कर दिए। इसको थोड़ा सा मोटा कर लो, मोटा कर देते हैं, रुक जाओ टेंशन ना लो, टेंशन ना लो भाई साहब, टेंशन ना लो, तनिक टेंशन ना लो, बस तुरंत यहां से ई हो गया ना, कोनो दिक्कत है। अब यहाँ पे एक दूसरे को ऊपर प्रतिच्छेदित करते हैं, तो यहाँ पे ऊपर हमने प्रतिच्छेदित करवा दिया। अब पूछा क्या है, सी ओ डी मतलब कि तुमसे ई वाला कोण पूछा गया है, सी ओ डी मतलब कि ई वाला कोण पूछा गया है तुमसे। बात समझ में आया कि ना आया, आ गया ना। अब यहाँ पे ध्यान देना, थोड़ा सा ध्यान नहीं दोगे दुर्घटना घर हो जाएगा। यहाँ पे ध्यान दोगे, ई वाला जो तुम्हारा कोण है, ई वाला यहाँ से कितने डिग्री का है, ई वाला जो कोण है ये कितने डिग्री का है, तो ई सर जी 60 डिग्री का होगा क्योंकि समबाहु त्रिभुज का कोण है। और ये यहाँ पे कितने डिग्री का कोण है, ये पूरा 90 डिग्री का कोण होगा क्योंकि स्क्वायर वर्ग का कोण है ना। अब यहाँ पे ध्यान से देखना कि ई वाला भुजा जो है और ई वाला भुजा बराबर होगा ना, ई वाला भुजा दोनों बराबर होगा, होगा कि नहीं होगा, यहाँ से ए ई और ए डी दोनों बराबर होगा। अब यहाँ से एक त्रिभुज तुमको हम दिखा रहे हैं, उसको ध्यान से देखना, बस उसको ध्यान से देख लोगे समझ में आ जाएगा। यहां से ध्यान दो, यहां से एक त्रिभुज तुमको दिखेगा, ठीक है, ये दिख रहा है, दिख रहा है सर जी, जब दिख रहा है तो बस काम हो गया। यहाँ पे आ जाओ, जब ई त्रिभुज जो है ए ए ई डी, ए ई डी में ई वाला दोनों भुजा बराबर है, तो फिर ये दोनों कोण भी बराबर होगा, और ये दोनों कोण बराबर होगा मतलब ये 15 डिग्री का होगा और ये भी 15 डिग्री का होगा। कैसे 15 डिग्री आया, तो यहाँ पे ई अकेले 150 डिग्री का कोण है यहाँ पे, है ना, तो ई जब अकेले 150 डिग्री का कोण है, जैसे कि यहाँ पे थोड़ा सा हम आपको बताते हैं, देखेंगे यहाँ पे, यहाँ पे अकेले 150 डिग्री का कोण है ना, तो बचा हुआ ई दोनों कोणों का कितने कितने डिग्री का होगा, 15-15 डिग्री का होगा, होगा सर जी, तो ई 15-15 का हो गया, ई तुमको कोई दिक्कत नहीं होगा ना ही कोई समस्या होगा, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान से देना है, यहाँ पे ध्यान देना, नहीं ध्यान दोगे गड़बड़ा जाओगे, कैसे गड़बड़ाओगे, यहाँ पे देखना है। अब यहाँ पे ट्रायंगल ए ओ डी में देखना है, ए ओ डी, ए ओ डी दिख रहा है कहाँ पे है, ए ओ डी में देखना है, ए ओ डी में ई वाला ट्रायंगल दिख रहा है, ए ओ डी में दिख रहा है, ए ओ डी में। अब यहां से देखोगे तो ये क्या था, डायगोनल था, तो ई भी इधर 45 का होगा, तो ई भी इधर 45 का होगा क्योंकि डायगोनल बाइसेक्ट करता है, तो यहाँ पे ए ओ डी में, ए ओ डी देखो यहाँ से ए डी यहाँ से है, ओ यहाँ पे है, ठीक है, और कुछ इस प्रकार से है, ए ओ डी, ठीक है। अब यहाँ पे 45 का होगा क्योंकि डायगोनल है, ए ओ जो है ई एस ई क्या है, डायगोनल है, तो बराबर बराबर कौन होगा, और ये कितना है तुम्हारा 15 का है ना। अब यहाँ से इसको हम बढ़ा दे रहे हैं और यही वाला कोणवा निकालना है ना, तो इसको हमने बढ़ा दिया और ये वाला कोणवा हमको निकालना है, तो ये क्या बन रहा है, एक्सटीरियर एंगल नहीं बन रहा है इस त्रिभुज का, तो ये दोनों एंगल के सम के बराबर होगा, 45 और 15 कितना हो जाएगा, 60 डिग्री हो जाएगा, जो कि ऑप्शन बी में है। बात समझ में आया, कोनो तकलीफ है नहीं है ना, समझ में आ गया। आगे बढ़ा जाए, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले, यहां तक कोनो प्रकार का तकलीफ नहीं होना चाहिए, ठीक है।
आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहां से क्या कह रहा है, कह रहा है कि इन द ट्रायंगल डीईएफ शोन बिलो, शोन कहां कर रहा है भाई, ट्रायंगल तो कहीं दिख नहीं रहा, नीचे नीचे दिए गए त्रिभुज में ए बी सी क्रम से डीई डीएफ और ईएफ पर इस प्रकार लिए गए हैं कि ईसी बराबर एसी और सीएफ बराबर बीसी, यदि कोण एंगल डी, यदि कोण डी बराबर 40 है तो एसीबी का मान बताना है भाई साहब। अब यहाँ पे आइए इसको हम बनाते हैं, पहले डीईएफ एक ट्रायंगल बनाइए, डीईएफ एक ट्रायंगल बना देते हैं, डीईएफ डीईएफ यहां तक कोई दिक्कत है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है ना, यहां तक कोई दिक्कत नहीं, इसको हम इधर से लेते हैं, डी यहां ले लेते हैं, सॉरी एक मिनट, डी यहां ले लेते हैं ठीक है, और ई यहां ले लेते हैं और एफ यहां ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, वैसे भी लेते तो कोई दिक्कत नहीं होता। आगे बोला है कि डीईएफ पर इस प्रकार लिए गए हैं एबीसी, एबीसी तीन को बिंदु लिया गया है। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए एबीसी कैसे लिया गया है, तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे हम ए को ले लेते हैं ठीक है, यहाँ पे ए को ले लेते हैं, आगे यहाँ पे बी को ले लेते हैं ठीक है ना, बी को ले लेते हैं, और यहाँ पे आपका किस पे, एक मिनट, ए बी सी डी ई और डी एफ, बी यहाँ पे आएगा, डीएफ पे बी है आपका, यहाँ पे सी होगा, यहाँ पे जो है आपका सी है ठीक है, क्योंकि साफ साफ बोला गया है कि ए जो है डी पे है, बी जो है डी एफ पे है और सी जो है ई एफ पे है। यहां तक कोई दिक्कत है नहीं है ना, किसी प्रकार का कोई समस्या नहीं होगा। यहाँ पे ध्यान देंगे कि यहाँ पे अगर हम इसको देखें तो इसको मिला देते हैं, यहाँ पे किसको किसको बराबर किया है, यहाँ पे ध्यान दीजिए ईसी बराबर एसी है, ईसी और एसी दोनों बराबर है, ये दोनों बराबर है ठीक है, कोनो दिक्कत नहीं होना चाहिए, और सीएफ बराबर बीसी है, सीएफ बराबर बीसी है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। एंगल डी जो है आपका 40 डिग्री का है, एंगल डी जो है कितने का है, 40 डिग्री का है, कोई दिक्कत है नहीं है सर जी। अब नहीं है तो यहाँ पे इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करने का दो दो तरीका बताएंगे ठीक है। यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे हम मान लेते हैं कि जो है हमारा थीटा है, ई जो है इसको थीटा मान लेते हैं, जब ई थीटा होगा तो ई भी थीटा हो जाएगा क्योंकि दोनों बराबर है, इसको मान लेते हैं कि ई अल्फा है तो ई भी अल्फा हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है सर जी, नहीं है ना, यहाँ तक कोई समस्या है नहीं सर जी, नहीं समस्या है। अब यहाँ पे ध्यान देंगे कि ई 40 है और ई थीटा प्लस अल्फा 180 के बराबर होगा, 40 प्लस में थीटा प्लस में अल्फा बराबर 180 होगा, होगा ना, तो यहाँ से थीटा प्लस अल्फा हमको कितना मिल गया, 140 मिल जाएगा, थीटा प्लस अल्फा कितना मिल जाएगा, 140 मिल जाएगा, मिलेगा ना। अब यहाँ पे एक याद कीजिए, आपको एक क्वाड्रिलेटरल का हम बताए थे, याद आ रहा है कि इन दोनों का जो इंटीरियर एंगल का सम होगा इन दोनों के एक्सटीरियर एंगल के सम के बराबर होगा, याद आ रहा है, याद आया, तो यहाँ से एक क्वाड्रिलेटरल हम आपको दिखाते हैं प्यारा सा, यहाँ पे ध्यान दीजिए एक क्वाड्रिलेटरल आपको हम दिखाते हैं ठीक है, देखिए क्या कह रहा है क्वाड्रिलेटरल कुछ इस प्रकार से। अब यहाँ पे 40 है और यहाँ पे एंगल ई जो भी हो मान लेते हैं एंगल सी है और इन दोनों के सम के बराबर होगा, तो 40 प्लस कौन सा एंगल यहाँ पे है, ए सी बी, एंगल ए सी बी जो है वो किसके बराबर होना चाहिए, इदू का एक्सटीरियर एंगल थीटा प्लस अल्फा के बराबर होना चाहिए, तो थीटा प्लस अल्फा के बराबर है। अब यहाँ से थीटा प्लस अल्फा आपका कितना है, 40 प्लस एंगल ए सी बी, यहाँ से थीटा प्लस अल्फा कितना है, 140 है, तो यहाँ से ए सी बी बराबर कितना हो गया, ए सी बी बराबर 40 उधर जाके माइनस होगा, तो ए सी बी आपका 100 डिग्री हो जाएगा जो कि ऑप्शन सी में है। बात समझ में आ गया, यहाँ तक कोनो दिक्कत है, कोनो प्रकार का समस्या, सिंपल सा कर दिए, नहीं है ना। अगर इसको दूसरा भी तरीका से बनाना चाहेंगे तो जैसे यहाँ पे ध्यान देंगे यहीं से हम गेम कर देते वैल्यू पुट करके, जैसे इसमें मान लेना है कि क्वाड्रिलेटरल वाला कॉन्सेप्ट उस समय दिमाग में ना आया तो यहीं से वैल्यू पुट करके हम खेल सकते थे इसको। यहाँ पे जैसे थीटा प्लस अल्फा 140 है तो इसको कुछ भी मान लीजिए, मान लेते हैं कि थीटा 80 है और अल्फा 60 है, बस अर्थ कि थीटा प्लस अल्फा 140 होना चाहिए, तो थीटा अगर 80 है तो ये 80 हो जाएगा ना, तो ये भी 80 हो जाएगा आपका, और 80 80 160 हो गया तो ये वाला कितना होगा, 20 होगा, ये वाला त्रिभुज में, ये वाला त्रिभुज को दिख रहा है ना आपको यहाँ पे, तो ये 80 80 160 तो 20 180 हो गया।
अल्फा आपका 60 है तो ई 60 हो गया, ई भी आपका 60 हो गया, तो ई 60 60 120, तो ई भी कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? हो जाएगा सर जी। अब यहाँ पे जब यहाँ से देखेंगे आप ध्यान से, तो ये पूरा एंगल का सम कितना होता है 180 होता है, जिसमें से 60 अभी 80 हो गया, तो बचा हुआ कितना है, ये 100 डिग्री बचा है, जो कि ऑप्शन सी में है। बात समझ में आ गया? कौन तरह का तकलीफ है नहीं है ना? क्वेश्चन सब बढ़िया बढ़िया है, मजा आ रहा है करके। आगे बढ़ा जाए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए क्या कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ से आ जाओ भाई, ये क्या हुआ, नेक्स्ट क्वेश्चन 115 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे आपको करके मजा आएगा। यहाँ पे कह रहा है कि दिए गए चित्र में आर पी क्यू इसका मान बताना है भाई साहब, थीटा के पदों में ही बताना है, नहीं तो वैल्यू पुट करके खेल सकते थे। तो यहां से ध्यान देना है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, यहां से थीटा है और यहाँ पे दोनों एंगल जो है थीटा प्लस एंगल ए प्लस में एंगल सी बराबर कितना होगा, 180 होगा सर जी। तो यहाँ से एंगल ए प्लस एंगल सी कितना हो जाएगा, 180 माइनस थीटा हो जाएगा, 180 माइनस थीटा हो जाएगा सर जी। कोई दिक्कत है नहीं है ना? कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पे क्या करेंगे कि अगर यहाँ थीटा के पदों में नहीं बताना होता तो यहाँ पे हम इसको कुछ भी मान के वैल्यू पुट करके लेके निकल जाते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या कह रहा है कि थीटा के पद में बताना है, तो इसको हम मान लेते हैं कि दोनों बराबर है, ये और सी दोनों बराबर है, तो ए कितना हो जाएगा, ए 90 माइनस थीटा बाई 2 हो जाएगा, जब इसको आप 2 से भाग दीजिएगा, और यहाँ से सी भी आपका 90 माइनस थीटा बाई 2 हो जाएगा। ठीक है, वैसे कुछ भी रख सकते हैं लेकिन हम मान लिए बराबर बराबर है। तो यहाँ से जब 90 माइनस थीटा बाई 2 आपको मिला, तो यहाँ पे ध्यान देंगे आप कि यहाँ से ए कितना मिल गया, 90 माइनस थीटा बाई 2 मिल गया, 90 माइनस थीटा बाई 2 मिला। तो यहाँ से ई और ई दोनों बराबर है, तो ई को ई वाला भी बराबर होगा, तो ई कितना हो जाएगा, ई भी 90 माइनस थीटा बाई 2 हो जाएगा ना, और ई भी कितना मिल गया, 90 माइनस थीटा बाई 2 मिल गया, और ई यहाँ से ई और ई दोनों बराबर है, तो ई कोण भी 90 माइनस थीटा बाई 2 होगा, 90 माइनस थीटा बाई 2 होगा ना। अब यहाँ पे आपको ध्यान से देखना होगा कि यहाँ से पूरा कोण का सम कितना होगा, ई वाला पूरा कोण का सम 180 होगा, जिसमें से ई 90 माइनस थीटा बाई 2 है ई वाला, और ई वाला भी 90 माइनस थीटा बाई 2 है, तो बीच वाला निकालना है ना, तो यहाँ से 90 माइनस का थीटा बाई 2, और यहाँ से एंगल आर पी क्यू प्लस में एंगल आर पी क्यू और प्लस में फिर 90 माइनस थीटा बाई 2, 90 माइनस का थीटा बाई 2 और बराबर में कितना होगा, 180 के बराबर होगा। कोई दिक्कत है नहीं होना चाहिए। यहाँ से 90 180 हो जाएगा, और यहाँ से थीटा माइनस टू कितना हो जाएगा, माइनस का 2 थीटा हो जाएगा। यहाँ पे ध्यान देंगे 180 उधर लेके जाते हैं, यहाँ से 90 180 खत्म कर देते हैं, ये 180 खत्म हो जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत है, कुछ गड़बड़ लग रहा है यार, 90 माइनस थीटा बाई 2, 90 माइनस थीटा बाई 2, हो अच्छा ठीक है। तो यहाँ से कुछ नहीं करना है, यहाँ से अगर देखेंगे तो इन दोनों को उधर लेके चल जाते हैं, तो यहाँ पे बचेगा एंगल आर पी क्यू बराबर में थीटा बाई 2 इधर आ जाएगा, तो प्लस का थीटा बाई 2 हो जाएगा दोनों। यहाँ से एंगल आर पी क्यू बराबर में 2 थीटा बाई 2 हो जाएगा, 2 थीटा बाई 2, 2 2 कैंसिल हो जाएगा, तो एंगल आर पी क्यू बराबर कितना हो जाएगा, थीटा हो जाएगा, और यही आपका आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन ए में है। बात समझ में आ गया, देख लिए क्वेश्चन कितना जबरदस्त है, मजा आ रहा है करके। आगे बढ़ा जाए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चला जाए, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगा ना ही कोई समस्या। चलो ये जो क्वेश्चन है ये अभी पिछला क्वेश्चन के आधार पे ही है, यहाँ पे थीटा रखा था, यहाँ पे अब थीटा नहीं है तो बिना थीटा का है, तो अब आप इसको बना के देख लीजिए बन जाएगा। जैसे कि यहाँ पे ध्यान देंगे कि यहाँ पे थीटा 62 डिग्री है, और ई वाला और ई वाला 62 प्लस में एंगल क्यू प्लस में एंगल आर बराबर कितना होना चाहिए, 180 होना चाहिए। तो यहाँ से थीटा प्लस में एंगल सॉरी क्यू और एंगल आर बराबर 180 माइनस का 62 हो जाएगा, 180 माइनस का 62, तो एंगल क्यू प्लस एंगल आर बराबर कितना आ जाएगा, 118 डिग्री आ जाएगा। आएगा कि नहीं आएगा, आएगा। अब हम पीछे क्या बोले थे कि यहाँ पे कुछ भी वैल्यू पुट कर सकते हो, अब यहाँ वैल्यू में है तो इसको हम मान लेते हैं कि 60 डिग्री है, तो ये कितना होगा, 60 50 110 58 डिग्री हो जाएगा, हो जाएगा सर जी। एंगल क्यू कितना माने हो, 60 माने हो ना,
एंगल क्यू 60 माने हो तो यहाँ से एंगल क्यू 60 हो जाएगा और एंगल आर 58 हो जाएगा। कोनो तकलीफ है नहीं है ना। अब यहाँ पे ध्यान देना, ये दोनों भुजा बराबर है। ये क्या है, ये दोनों भुजा बराबर है। जब ये बराबर है तो ये 60 है, तो ये बचा हुआ दोनों 120 के आधा आधा होगा, तो ये तीनों 60-60 हो जाएगा ना, कोनो तकलीफ नहीं है। यहाँ पे ध्यान देना कि इहो दोनों भुजाओं बराबर है, तो फिर ये दोनों कोनो बराबर होगा, तो यहाँ पे कितना बचा, इधर आपका कितना है 58 है, तो बचा आपका 58 22 122 के बराबर होगा, तो 60 दूने 120 61 हो जाएगा। हो जाएगा ना, हो जाएगा सर जी। अब यहाँ पे ध्यान देना कि तीनों कोण का सम कितना होगा 180, तो यहाँ से 60 प्लस में एंगल FDE, एंगल FDE बराबर प्लस में 61 डिग्री बराबर में 180 होगा। अब यहाँ से कुछ नहीं करना है, एंगल FDE बराबर सबको ले जाकर उधर घटा दो, 180 माइनस का 60 माइनस का 61 हो जाएगा, तो यहाँ से 60 120 121 घटाओगे तो 59 डिग्री आ जाएगा। और सिंपल से यही तुमसे पूछा था, EDF मतलब की वाला कौन पूछा था, तो यहाँ से 59 डिग्री आ गया। बात समझ में आ गया, कोनो तकलीफ है, कोनो प्रकार का समस्या नहीं है ना। बड़े आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे चला जाए, मजा आ रहा है करके। आ जाओ एक क्वेश्चन और कर लो, एक क्वेश्चन बस इसको कर लो, यहाँ पे ध्यान देना, एक क्वेश्चन इसको कर लो, उसके बाद छोड़ देंगे, ठीक है। चलो आ जाओ इसको कर लो, यहाँ पे ध्यान देना, यहाँ पे कह रहे हैं कि एबीसी में भुजा बीसी पर बिंदु डी इस प्रकार लिया गया है कि एंगल एडीसी जो है 2BAD के बराबर है, 2BAD के बराबर है। बीएडी कहाँ पे है, बीएडी यहाँ पे है, तो इसको हम मान लेते हैं कि अगर ई थीटा है तो ई टू इसके दोगुना के बराबर है, तो ई टू थीटा हो जाएगा सर जी। एंगल ए जो है 80 डिग्री है, एंगल ए जो है ये पूरा कोण 80 डिग्री है, यहाँ पे दे रखा है 80 डिग्री आपका, यहाँ पे ये पूरा कोण 80 डिग्री है। एंगल सी जो है 38 डिग्री है, ई वाला जो कोण है आपका 38 डिग्री है, कोनो तकलीफ नहीं होना चाहिए। एंगल ए डी बी का माप पूछा है, ए डी बी मतलब इधर वाला कोण, ई वाला कोण यहाँ पे जो बन रहा है उसका माप पूछा गया आपसे। तो यहाँ पे ध्यान से देखिएगा इस चीज को कि यहाँ से 38 है, 80 है, तो ये कितना होगा, तो 80 प्लस में 38 और प्लस में एंगल बी बराबर 180 होगा ना, तो ये कितना हो जाएगा 118, उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो एंगल बी बराबर कितना आ जाएगा 180 माइनस का 118, तो यहाँ से एंगल बी बराबर 62 डिग्री आ गया। एंगल बी का मान मिल गया 62 डिग्री, कोनो दिक्कत है नहीं है ना। अब सिंपल सा बात है, यहाँ से ध्यान से देखो, ई वाला ट्रायंगल, एक ट्रायंगल दिखाते हैं तुमको, ई वाला ट्रायंगल, इसमें ये एक्सटीरियर एंगल है और इन दोनों एंगल का सम के बराबर होगा, मतलब 62 प्लस में थीटा बराबर में 2 थीटा होगा या नहीं होगा, होगा सर जी। तो यहाँ से थीटा उधर जाएगा ना, कुछ ग्लोचा हो रहा है क्या यार, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, तो यहाँ से आ जाओ, यहाँ से अगर देखे तो यहाँ से थीटा इधर जाएगा, थीटा इधर अगर आएगा, अगर थीटा इधर आता है तो थीटा बराबर कितना हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे ध्यान देना, ये थीटा इधर आएगा तो 2 थीटा प्लस है माइनस का थीटा बराबर में 62, तो थीटा बराबर कितना आ गया 62 आ गया, तो 2 थीटा का मान कितना हो जाएगा, 2 थीटा का मान 62 दूना 124 हो जाएगा, तो 2 थीटा का मान 124 डिग्री, मतलब कि ई वाला कोण मिल गया हमको 124 डिग्री, और ई वाला कोण हमको बताना है, तो दोनों कोण का सम कितना होता है 180 होता है, तो 180 में से 124 घटा लो, 180 माइनस का 124 कितना हो जाएगा 56 डिग्री हो जाएगा, और यही तुम्हारा आंसर हो जाएगा जो कि ऑप्शन बी में है। बात समझ में आ गया, कोनो तकलीफ है, मजा आया करके, यहां तक किसी प्रकार का कोई भी समस्या नहीं होगा, ना ही कोई परेशानी होगी। आगे बढ़ा जाए और आज का सभा यहीं पे समाप्त किया जाए, मिलते हैं हम आपसे फिर कल अपने निर्धारित समय पे, अभी के लिए इतना ही रखते हैं, ठीक है ना, आज भर का काम भर का हो गया है, तो अगला सेशन में मिलते हैं फिर और आगे क्या करते हैं, ठीक है। तो चलिए इसको आप बढ़िया से नोट्स बना लीजिए,
जो जो क्वेश्चन में डाउट है उसको एक दो बार और कर लीजिए, ठीक है। और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और शेयर करना मत भूलिएगा, ठीक है। तो चलिए सभा को समाप्त करते हैं, अभी के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू।